मैं ये कहना चाहती हूँ एज अ वुमेन एमपी, आज हम जब देश की सुविधाओं के पास देखते हैं तो जब मुझे याद है कि जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में कहा जाता है तो बेटी को हम बढ़ाएं कैसे, और बेटी को बढ़ाने के लिए जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शपथ ली थी तो मोदी जी ने कहा था कि दिस विल बी माय वुमेन लेड डेवलपमेंट गवर्नमेंट। तो जब महिलाओं के साथ आगे बढ़ना है तो जेंडर इक्वालिटी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 है, उस जेंडर इक्वालिटी में लड़कियों को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और फिर जब आप गत 8 सालों से सरकार किस प्रकार के प्रयत्न कर रही है उसमें आप देखेंगे तो स्कूल ड्रॉपआउट रेट लड़कियों के लिए बहुत बड़ी चिंता की चीज़ बात थी, और उस स्कूल ड्रॉपआउट रेट में जब देखा गया कि गुजरात मॉडल कैसे, खुद प्रधानमंत्री जी वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात में उन्होंने प्रवास किया और उसमें से जो जो चीज़ें थी, जहाँ पे टॉयलेट की ज़रूरत थी, लड़कियों के लिए जगहों की ज़रूरत थी, लाइब्रेरी की ज़रूरत थी, वैसे ही पूरे देश भर में हमें फिर वही मॉडल पूरे देश भर में उसको प्रस्तापित किया। और मुझे गर्व से मैं कह सकती हूँ कि इन 8 सालों में 97% लड़कियों के टॉयलेट हैं, 1 girl 1 toilet block के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। लड़कियों को और आगे शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए हमने जो स्पेशली एबल्ड लड़कियां होती हैं, मुझे लगता है 4 लाख लड़कियां जो ऐसी हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाइपेंड देती हैं आगे बढ़ने के लिए, 6 करोड़ से ज़्यादा युवा लड़कियों को और युवा बच्चों को हम यूनिफॉर्म देते हैं, 9 करोड़ से ज़्यादा एलिमेंट्री स्कूल में जब लड़कियां पढ़ती हैं उनको हम शिक्षा के पुस्तकें टेक्स्ट बुक देते हैं, और जब ये लड़कियां एलिमेंट्री स्कूल से आगे जाती है तो CBSE से जैसे उड़ान व्यवस्था है जहाँ पर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की जो लड़कियाँ हैं उनको टेक एजुकेशन में हम कैसे आगे बढ़ाएं उसके लिए पढ़ाई देते हैं। ऐसे बहुत सारी सुकन्या समृद्धि योजना से लेके अब तक अलग अलग योजनाओं के मार्फत हम स्पेशली एबल्ड इवन बच्चे हों, लड़कियां उसमें ज़्यादा हम उस हिसाब से ध्यान देते हैं, उन सबको आगे कैसे बढ़ाएं, इनोवेशन के रूप से हम लड़कियों को कैसे आगे बढ़ाएं। अटल टिंकरिंग लैब जो शुरू हुई है, और हमें गर्व के साथ ये भी कहना अच्छा लगता है प्रधानमंत्री जी के विचार थे, कुल मिला के 10,000 अटल टिंकरिंग लैब 2022 अगस्त तक हम बनाए हैं, 700 जिलों तक ये अटल टिंकरिंग लैब पहुँचे हैं, 70 लाख से ज़्यादा बच्चे इस अटल टिंकरिंग लैब में अपना इनोवेशन करते हैं, 12 या 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे इसमें अलग अलग इनोवेशन कर चुके हैं स्कूलों में अलग अलग स्टेट में। और उससे ही फिर अटल इंक्यूबेशन सेंटर की हम बात करते हैं, जो मुझे लगता है 69 अटल इंक्यूबेशन सेंटर पूरे देश में हैं, और उस अटल इंक्यूबेशन सेंटर से स्टार्टअप कैसे हो, स्टार्टअप से लड़कियां भी कैसे आगे बढ़ें, तो 2900 स्टार्टअप्स नए बने हैं अटल इनोवेशन लैब से, और उसके साथ इंक्यूबेशन लैब से हमने 900 से ज़्यादा स्टार्टअप उसको लड़कियां लीड करती हैं। जब एजुकेशन के रूप से बात करते हैं तो स्टेप एक अलग योजना है, उससे लड़कियों को हम टेक एजुकेशन में कैसे आगे बढ़ाएं, जैसे उड़ान CBSE ने शुरुआत की है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड लड़कियां हों या जाति रूप से पिछड़ी हुए समाज से आई हुई लड़कियां हों, उनको एक टेक एजुकेशन में ज़्यादा आगे बढ़ाएं स्टेम को लेके। और उससे मैं आपको बताने के लिए अच्छा लगता है कि सिर्फ 8% लड़कियाँ 2014 तक टेक एजुकेशन लेती थी या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाती थी, आज 30% से ज़्यादा लड़कियाँ IIT में इंजीनियरिंग कॉलेज में हौसले से आगे बढ़ रही हैं। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे जो व्यवस्थाएं हैं, कोरोना के समय में बच्चे पीछे ना रहे तो एजुकेशन वाइज अलग अलग चैनलों से उनको पढ़ाया गया है, पॉडकास्ट नए नए बनाए गए हैं, तो टेक्नोलॉजी लेके महिलाओं को कैसे उस जेंडर इक्वालिटी में, जेंडर पैरिटी में साथ में आगे बढ़ाएं। और जो सपना 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वुमेन लेड डेवलपमेंट जो इस भारत को आगे बढ़ाने के लिए देखा है, उससे लड़कियों को कितना फ़ायदा भरे, और जिन आंकड़ों में हम आगे देख रहे हैं स्कूली शिक्षा में सुकन्या समृद्धि योजना से लेके बच्चियाँ टॉयलेट की वजह से स्कूल ना जाते हुए, 3% ड्रॉपआउट रेट और कम हुआ है, लेकिन जब ड्रॉपआउट रेट 3% होता है तो हम सोचते हैं एनरोलमेंट रेट उतना ही होगा, लेकिन 3% के से ज़्यादा एनरोलमेंट रेट 4.5% हो चुका है। तो लड़कियां और उत्साहित होकर पढ़ना चाहती, उनके परिवार से लोग उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुझे लगता है एक अच्छी नींव इस देश के आने वाले युवाओं के लिए रखी गई है, और उसी को लेके हम सारे सांसद भी अपनी जनता को बताना चाहते हैं कि और हम आपके लिए क्या करें जिससे हमारी बेटियां आगे बढ़ें और वो इस देश को आगे बढ़ाएं।